ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। महानुभाव, हम और आप सभी भावों से मांगीतुंगी पर्वत पर चढ़े, ऋषभगिरी पहुँचे और 108 फुट तुम भगवान ऋषभदेव के चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च 700 तीर्थ अयोध्या पहुँचे, भगवान ऋषभदेव के चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च आप भावों से हस्तिनापुर आ जाएं, ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री सब देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महानुभाव, श्री गौतम स्वामी ने अपने प्रतिकोण पाठ में निषीदिका दंडक सूत्र में कहा है, मम मंगलम अरहंताय सिद्धाय बुद्धाय। उसमें कहते हैं, चावर्णोय समर्थंघोय भरे रावेशु महाविदेशु भरते रावत भरत क्षेत्र में, रावत क्षेत्र में और विदेह क्षेत्र में जो भी श्रवण संघ है और चतुर्विध संघ है वो सब मंगल के लिए हुए। हमें और आपको चिंतन करना है कि श्रवण संघ में चतुर्विध संघ की व्यवस्था है, ऋषि मुनि यति और अनगार इनको चतुर्विध संघ कहा है मूलाचार में, और मुनि आरिका श्रावक श्राविका इनको भी चतुर्विध संघ कहा है। चतुर्विध संघ की परंपरा अनादि है, अनंत है, हमेशा ध्यान रखें। मुनि रहेंगे तो आरिकाएं भी रहेंगी, श्रावक और श्राविकाएं भी रहेंगी, सबका अस्तित्व एक साथ है। मुनि के बिना श्रावक और श्राविकाओं का अस्तित्व नहीं है, श्रावक और श्राविकाओं के बिना मुनियों का अस्तित्व नहीं है। जब मध्य में 7 तीर्थंकरों के काल में भगवान पुष्पदंत से लेकर धर्मनाथ तक के काल में कुछ काल के लिए धर्म तीर्थ का विच्छेद हुआ तो तिंडोय पर्णति ग्रंथ में लिखा है कि चतुर्विध संघ नहीं रहा, मुनि आरिका श्रावक श्राविका नहीं रहे। अब भगवान महावीर के शासन में, भगवान शांतिनाथ से लेकर के महावीर के शासन में 21,000 वर्ष तक ये चतुर्विध संघ की परंपरा अविच्छिन्न चली आ रही है। धर्म तीर्थ का विच्छेद नहीं हुआ है न होगा, ऐसा तिलोय पर्णति ग्रंथादिकों में वर्णित है। आज मैं आपको ले चलूं आरिकाओं की चर्या की ओर, थोड़ा प्रकाश डालूंगी। मूलाचार ग्रंथ है श्री कुंदकुंद देव द्वारा विरचित और उसकी टीका है श्री वसुनंदी आचार्य द्वारा। उसमें लिखा है, एसो सामाचारो एसो अज्ञानम प्रिय सामाचारो जहा क्यो पुब्बम सबम्य अहोरत्ते विभाष दबो जहा जोगम। जो मुनियों के लिए ये गाथा है 187, यहाँ तक मुनियों के 28 मूल गुणों का वर्णन आया है और सामाचारी विधि आदि का वर्णन आया विस्तार से, अहोरात्रि क्रियाओं का। फिर कहते हैं आचार्य देव श्री कुंदकुंद देव कि जो मुनियों के लिए सामाचारी विधि कही गई है, 28 मूल गुण कहे गए हैं, ये सभी अज्ञानम प्रिय आरिकाओं के लिए भी यही सारी विधि, या जहाँ क्यों पुब्बम
पूर्व में जो भी मैंने कहा है वो सब पूर्व विधि जो कि तो उन्हें सबम अहोरत्ते विवाह दबो, सारी क्रियाएं 28 मूल गुण समाचार विधि आदि सब क्रियाएं, 28 कृतिकर्मा आदि सब क्रियाएं अहोरात्र मुनियों के समान ही आर्यिकाओं को भी करना है। इसमें एक पद है जहाजोगम, यथा योग्य, यथा योग्य से उन्होंने कह दिया टीकाकार ने, जहाजोगम आत्मानुरूपो वृक्ष मूलादि रहिता, अपने अनुरूप यानी वृक्ष मूल आतापन योग और ग्रीष्मावकाश योग शीतावकाश योग या अभ्रावकाश योग जो है इनसे रहित, अर्थात वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे ध्यान करना जंगल में, ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ की चोटी पर ध्यान करना और शीतकाल में नदी के किनारे ध्यान करना आदि, ये उनके लिए वर्जित है। अब मैं आपको ले चलूँ आगे और आप देखेंगे कि जब आचार्य देव ने पांच प्रकार के आचार में ज्ञानाचार आदि का वर्णन किया और उसमें स्वाध्याय के लिए दिक् शुद्धि आदि का वर्णन किया, उसमें सिद्धांत ग्रंथों के पढ़ने का मुनि आर्यिकाओं के लिए विधान किया है और वसुनंदी श्रावकाचार्य आदि ग्रंथों में देश प्रतिमाधारी यानी उत्तिष्ठ त्यागी प्रतिमाधारी छुलक अलग तक के लिए भी सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ने का निषेध किया है श्रावक श्रावकाओं के लिए। तो कहते हैं तम पढ़ित मज्जाए नो कपदी विरद इथि वग्गस्य, आप लोग बहुत ध्यान से सुने, ऐसो अन्नो ग्रंथो कपदि पढ़ुम असज्जाए, अस्वाध्याय काल में जो स्वाध्याय का काल नहीं, जैसे कि पूर्वान्न अपरान मध्यान्ह ये तीन काल सामायिक के हैं, ये स्वाध्याय के लिए वर्जित हैं, ऐसे उल्कापात हुआ, दिग्दाह हुआ, किसी के संग में आचार्यों की मृत्यु हुई आदि, राजनेता आदि की, ऐसे समय में अकाल माना है स्वाध्याय, सिद्धांत ग्रंथों के स्वाध्याय वर्जित हैं, अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिनों में, अष्टानिक पर्व में आदि, ये धवला की नवमी पुस्तक में बहुत स्पष्ट किया है। तो यहाँ भी वो कहते हैं कि अस्वाध्याय काल में विरत यानी संयत मुनिवर्ण और इथिवग यानी आरिका वर्ग, इथिवग का खुलासा किया है संयत समूह से स्त्री वर्ग से आरिका वर्ग से, आरिका मुनि और आरिकाओं को, संयमी और आरिकाओं को अस्वाध्याय काल में सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, एथो अन्नो ग्रंथो कपदी, इससे अतिरिक्त जो अन्य ग्रंथ हैं वो अस्वाध्याय काल में पढ़ सकते हैं, जैसे प्रथमान योग की कथा कहानी है, चरणान योग आदि हैं, ये ग्रंथ स्तुति ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ अस्वाध्याय काल में भी पढ़े जा सकते हैं। तो मुनि और आरिकाओं को समान अधिकार दिया है, इससे भी ये स्पष्ट हो जाता है कि मुनि और आरिकाओं की चर्या एक है, 28 मूल गुण हैं उनके और छुल्लक अलग तक 11 प्रतिमा है, वो उपासक कहलाते हैं, श्रावक श्राविका कहलाते हैं, यानी मुनि और आरिकाएँ 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 हैं, श्राविका नहीं हैं, इस पर हमारे संघ में आरिकाओं ने पुस्तक भी लिखी है। अब मैं आपको ले चलूँ, ये तो हुई मूलाचार की बात, प्रथमान योग में हम पाएंगे कि पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि त्यक्ता शेष गृहस्थ वेश रचना मंदोदरी संहिता
जाता अत्यंत विशुद्ध धर्म निरता शुक्लैक वस्त्रावृता। मतलब जिस समय रावण की मृत्यु हुई है, मंदोदरी आदि 48,000 महिलाओं ने आरिका दीक्षा ली है, तो उसमें आया है संयता। संयता शब्द आया है, संयत मुनियों के लिए है, संयता आरिकाओं के लिए। आरिकाओं को संयमनी संयता माना है, सारिका नहीं माना, ध्यान रखें आप। त्यक्ता अशेष गृहस्थ वेश रचना, अशेष गृहस्थ की वेशभूषा छोड़ करके, और संशुद्ध श्रवणा, जो श्रवण व्रतों को धारण किया और व्रतों चत्वारिशत अठाशिकम सुमनिषाम के यम सहस्त्राणिचे, उस दिन हृदय को धारण के पवित्र करने वाली ऐसी 48,000 महिलाओं ने संयम धारण किया है। संहिता आरिका दीक्षा लिए, संहिता संहिता बनी है। तो संहिता शब्द है, आरिका शब्द है, ये ध्यान में रखें। वो संयमनी है, सारिका नहीं है। अब मैं आपको ले चलूं इसी प्रकार से। आगे और पद्म पुराण में है, ततो दिव्यानुभावेन साविघ्न परिवर्तिता समृता श्रवणा साधी वस्त्र मात्र परिग्रहा महाव्रत पवित्रांगा महासंवेग संगीता देवासुर समायोगम दयौ चोद्यान उत्तमम। जब सती सीता ने दीक्षा ली, वहाँ का वर्णन है कि महाव्रत पवित्रांगा, महाव्रत से पवित्र हैं अंग जिसके, महाव्रत से पवित्र अंग जिसके, और महासंवेग से संगत देव और असुर से सहित ऐसे उद्यान में पहुँच करके वस्त्र मात्र परिग्रहा समृता श्रमणा साध्वी। वो श्रमणा, श्रवण मुनि को कहते हैं, श्रवणा आरिका को, श्रवणा साध्वी वस्त्र मात्र परिग्रहा, दो वस्त्र मात्र जिनके परिग्रह हैं, दो साड़ी मात्र परिग्रह कहा है, एक समय में एक साड़ी पहनती हैं, तो एक साड़ी मात्र है, एक साड़ी मात्र परिग्रह जिनके, ऐसे वो महाव्रत पवित्रांगा शब्द आया है। महाव्रत पवित्रांगा, अगर प्रथमान योग को हम प्रमाण नहीं मानेंगे तो आप ध्यान रखो, तीर्थंकर भगवंतों के चरित्र, महापुरुषों के चरित्र, त्रेसठ सला का पुरुषों के चरित्र हमें कोई करणान योग में समय सार में नहीं मिलेंगे। प्रथमान योग भी हमारे लिए पूर्ण प्रमाणिक है, जैसे कि करणान योग और समय सार आदि। अब मैं आपको ले चलूं आचार्य श्री वीर सार जी महाराज, साक्षात सन 56 में विराजमान थे। सन 56 में हम सब आरिकाएं उनके पास एकत्रित हुए थे चतुर्दशी के प्रतिक्रमण में, और प्रायश्चित की चर्चा चल रही थी, सब प्रायश्चित दे रही थी। एक आरिका के मुंह से निकला, हमारे 26 मूल गुणों में जो दोष लगा उसका प्रायश्चित दीजिए। एकदम आचार्य महाराज उसकी ओर देखने लग गए, हम सब देखने लग गए। पुनश्च आरिकाओं ने प्रश्न किया कि महाराज जी हम लोगों के कितने मूल गुण हैं? आचार्य श्री ने कहा 28 मूल गुण हैं, 28 मूल गुणों के संस्कार हमने किए हैं। और आचार्य शांत सार जी महाराज की आज्ञा से आरिकाओं के 28 मूल गुण माने हैं। आचार्य श्री शांत सार महाराज ने भी सबसे पहले आरिका दीक्षा दी एक आरिका चंद्रमती जी को, जो कि लगभग 100 वर्ष की होकर के जिनकी समाधि हुई है दिल्ली में। हम लोगों को महीनों महीनों उनके साथ एक साथ रहने का दिल्ली में प्रसंग रहा है, हम लोग सब एक साथ रहे हुए हैं। आरिका चंद्रमती जी वो भी बताया करती थी कि 28 मूल गुण आरिकाओं के हैं। कैसे? तो दो साड़ी मात्र परिग्रह उनके जो दिया गया है, कहा गया है, उसके अतिरिक्त अगर रखती हैं तो दोष है, और बैठकर आहार करना ये उनका एक मूल गुण है। और आचैलक्य में दो साड़ी मात्र परिग्रह रखना ये उनका मूल गुण है। तो 28 मूल गुण के संस्कार आरिकाओं पर किए जाते हैं। आचार्य श्री वीर सार महाराज ने हमें हमारे सामने सब समाधान दिया है और हम लोगों को आज्ञा दी है कि जो उस समय
हारिकाओं की तनोधा भक्ति संघ में होती ही रही है हमेशा, और उसके भी अनेकों प्रमाण हैं शास्त्रों में कि जिस समय ब्राह्मी सुंदरी ने दीक्षा ली है, आया है वर्णन कि वो देवों से भी पूज्य हुई हैं, पूज्यता में रही है, देवों से भी पूज्य मानी गई हैं। और दिन पड़ी में वीरचर्या तिजाल योगेश उन्नति यारो सिद्धांत रहस्यारम ये जैनम देश विरदारम। देश विरदार ने छुला गैलक मुनि छुला गैलक की चर्चा करते हुए वसुनंदी श्रावकाचार में आया है कि त्रिकाल योग वीरचर्या दिन प्रतिमा यानी दिन में आत्मापन योग आगे धारण करना और सिद्धांत ग्रंथ और रहस्य ग्रंथ यानी प्रायश्चित ग्रंथों का पढ़ने का अधिकार छुला गैलक तक के लोगों को नहीं है, वो देश विरत को नहीं है। आरिकाओं के लिए अधिकार दिया है, आरिकाओं को मुनियों के समान माना है, गणनीय आरिका। भरतस्य अनुजा ब्राह्मी दीक्षिता गुरु अनुग्रहात गणनी पद आर्याणाम सा भेजे पूरिता में रही। भरत की छोटी बहन ब्राह्मी भगवान के पास जब दीक्षित हुई है और आरिकाओं में 36,000 आरिकाओं में गणनी पद प्राप्त किया है तो अमरा ही पूजता देवों के द्वारा भी पूज्य हुई है। ब्राह्मी च सुंदरी चोभे कुमारियो धैर्य संगते प्रवर्ज्य बहुनारी भी नारियाणाम प्रभुताम गति। ब्राह्मी और सुंदरी ने दोनों ने कुमारिकाओं ने धैर्य से संगत होकर के भगवान के पास दीक्षा ली है और आरिकाओं में प्रमुख हुई हैं। और सुलोचना ने ब्राह्मी च सुंदरी श्रित्वा प्रवरव्रात सुलोचना एकादशांग भ्रत जाता सारिका पी सुलोचना। आचार्य श्री ने आचार्य वीर सार जी ने हमें सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ने का धौला ग्रंथ आदि पढ़ने का अधिकार दिया था और उन्होंने प्रमाण दिखाए थे कि सुलोचना भी 11 अंग की पाठी हुई है। 11 अंग और 14 पूर्व द्वासांग माना जाता है। 11 अंग तक की पाठी सुलोचना हुई है तो उनकी गणनी माता जो उनकी गुरुवाणी थी गुरु थी जिनसे दीक्षा ली है वो तो 11 अंग की पाठी थी ही थी सब, ऐसा श्री आचार्य वीरसार जी महाराज आदि कहते थे। तो इस बात को हमें और आपको ध्यान में रखना है। बहुत स्पष्ट शब्द आया है महाव्रत पवित्रांगा और आचार सार में भी आया है कि आरिकाओं को गुरु महाव्रत देते हैं, महाव्रत का उनमें आरोपण करते हैं। भले ही कहीं पर उपचार महाव्रत शब्द भी आया है वस्त्रवाद परिग्रह के निमित्त से, लेकिन ध्यान रखें आरिकाओं की चर्या मुनियों के समान मानी गई है, 28 मूल गुण माने गए हैं गणनी पद में, 11 अंग आदि पाठिक भी मानी गए हैं द्वासांग और 11 अंग तक पढ़ने का उनको अधिकार भी दिया गया है। तो सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ने और लिखने का मैंने भी गुरु की आज्ञा से ही पढ़ा है और पुनश्च उसका संस्कृत में सिद्धांत चिंतामणी टीका भी लिखी है। ये चर्चाएं आचार्य श्री वीरसा जी महाराज के सामने पंडित खूबचंद जी शास्त्री पंडित पन्नालाल जी सोनी ब्यावर वाले आदि अनेक विद्वान बैठकर निराल जी शास्त्री आदि बैठकर क्या करते थे और हम लोग सब प्रत्यक्ष में अभी प्रत्यक्षदर्शी हम मौजूद हैं आचार्य श्री वीरसा जी महाराज के सामने चर्चा सुनने वाले और करने वाले। आचार्य श्री शांतसार महाराज जी भी चंद्रमती जी को आरिका दीक्षा दी है, बराबर उनको नवधा भक्ति उनकी बराबर अंत तक होती रही है। संघ में नवधा भक्ति पूरक ही आहार लेना। जब हम सम्मेलन शिखर के लिए बिहार कर रहे थे 1962 में आरिका संघ लेकर के, तो आचार्य श्री सुसार महाराज ने कहा कि ज्ञानमती जी देखो ध्यान रखो उधर में कुछ ग्रुप ऐसा भी बन गया है शिखर की तरफ कि जो छुलक और छिलकाओं को अर्घ नहीं चढ़ाता है। उसमें आरिकाओं की पूजा का निषेध था नहीं, छुलक और छिलकाओं को अर्घ नहीं चढ़ाता है, तो उनसे भी आहार नहीं लेना भले ही तुम्हारी नवधा भक्ति करे, लेकिन जो छुलक और छिलका को अर्घ नहीं चढ़ाते हैं उनसे भी आहार नहीं लेना, ये आज्ञा दी थी।
तो बात यही है कि आचार्य शांतसार जी महाराज की परंपरा, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा में ये परंपरा चली आ रही है, हमेशा आप ध्यान रखें। आरिका है 28 मूल गुण धारणी है और 11 अंग तक पढ़ने का उनको अधिकार है और वो महावीर से पवित्र अंग वाली कहलाती हैं। उनकी चर्या मूलाचार के अनुसार मुनियों के समान है, वो आरिका आरिका है, श्राविका नहीं है। और छिलक और छिलका तक चर्या अलग है, उनको सिद्धांत ग्रंथ आदि पढ़ने का, रहस्य ग्रंथ आदि पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है। तो हमेशा ध्यान रखें, आचार्य सांसार जी की परंपरा, आचार्य महावीर कीर्ति आदि की परंपरा में आरिकाओं की बराबर नवधा भक्ति हो रही है, होती है और होती रहेगी। और उन्हें महावर्ती माना है, संहिता माना है और उन्हें पूज्य मान करके उनकी नवधा भक्ति का अधिकार। और वरधर्मा आरिका की श्री राम ने भी पूजा की है, परम्पुराण में आया है, अनेक ग्रंथों में आया है, पूजा शब्द आया है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आरिकाएं आरिकाएं हैं। इस प्रकार से मैंने संक्षेप में आपको आरिकाओं की चर्या के बारे में प्रकाश डाला है। आगे समय समय पर आचार्य श्री शांतसारी महाराज की परंपरा के बारे में मैं आपको सुनाती रहूंगी। अभी हमारे सामने प्रश्न आए हैं कि शासन और देव देवी क्षेत्रपाल आदि मंदिर में रखे जा सकते हैं कि नहीं, इनकी पूजा हो सकती कि नहीं। इस पर भी हम आगम के परिप्रेक्ष्य में श्री पूज्यपाद स्वामी आदि के आचार्यों के आधार से आगम के परिप्रेक्ष्य में हम आपको इस पर चर्चा करेंगे, बताएंगे। तो आप ध्यान रखें, हमारे और आपके सामने वर्तमान में प्राचीन ग्रंथ श्री पूज्यपाद स्वामी आदि के जो ग्रंथ हैं वो प्रामाणिक हैं, पूज्य हैं, मान्य हैं, इस बात को ध्यान में रखना और उसी के अनुसार आज्ञा का पालन करते अपने सम्यक को दृढ़ बनाएं। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।